हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुराना किचन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है गट्टे की सब्जी, द मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ राजस्थान। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, किस तरह से हम पारंपरिक गट्टे की सब्जी को बनाएं, आइए आज सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप बेसन चाहिए, अब इसके बाद इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाला, आधा चम्मच ही मैंने देगी मिर्च लिया, 1/4 चम्मच हल्दी और साथ ही में हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच। हींग लिए मैंने 1/4 चम्मच और साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी का यूज़ किया है, जो कि है 1 छोटा चम्मच। इन सब मसालों को डालने के बाद हम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो इसके अंदर गुठलियाँ बनी हुई है ना दोस्तों, उसको भी हम ऐसे मैश करके हटा देंगे। अब चलिए हम इसका आटा लगाते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालने से दोस्तों एक तो आटा अच्छे से लगेगा और दूसरा ये ज़्यादा गीला नहीं होगा। तो इस तरह से हम आटे को लगा लेंगे। ये देखिए आपका आटा कुछ इस तरह से लगकर तैयार होगा। अब चलिए हम इसे गट्टे की शेप देते हैं, आप इस तरह से इसे हथेली की मदद से लंबा लंबा कर बना लीजिएगा, एक स्टिक की तरह। इसी तरह से हम सारे स्टिक को रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम इसे उबालते हैं। तो इसका जो उबालने का टाइम है दोस्तों, इसे बॉइल्ड होने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। देखिए 10 से 15 मिनट होने के बाद चलिए चेक करते हैं, देखिए ऑलमोस्ट रेडी है ये दोस्तों। बीच बीच में इसे हिलाते भी रहिएगा ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। तो 1-2 मिनट ढकने के बाद हम दोबारा से इसे चेक करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आइए इन्हें एक प्लेट में सेपरेट कर लेते हैं और जिस भी शेप में हमें काटना है, जितने भी बड़े काटने हैं उसी शेप में हम इसको नाइफ की मदद से काट लेंगे। आइए अब करी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ किया है दोस्तों, इस डिश में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही लगता है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाला और साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन चॉप करके रखा था, उसे भी मैंने डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर पेस्ट डाला है इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इतने हमारा तड़का रेडी हो रहा है, चलिए इसका मैरिनेशन बनाते हैं। कर्ड का एक मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए हमें 4 चम्मच दही चाहिए होगा और साथ में कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, आधा चम्मच हम जीरा पाउडर लेंगे, हल्दी लेंगे 1/2 छोटा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस तरह से। अब जब हम इसे तड़के में डालेंगे ना, तो दही हमारी फटेगा नहीं,
मसाले डालने का यही फ़ायदा है दही के अंदर। देखिए यहाँ पर हमारी प्याज भी ऑलमोस्ट ब्राउनिश हो गई है, सुनहरी हो गई है। तो इस स्टेज पर हम थोड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हींग 1/4 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा मसालों को पकने का वेट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए ऑलमोस्ट मसाले पक गए हैं प्याज के साथ। अब यहाँ पर हमने जो मिक्सचर रेडी किया है हम उसे डाल देंगे। सारे मिक्सचर को अच्छे से डालने के बाद फ्रेंड्स इसे रेगुलर चलाते रहना है, नहीं तो हमारी दही फट भी सकती है। हम इसे लो आंच पर ही पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है फ्रेंड्स। लो फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए अब दही ने तेल भी सेपरेट हो गया है। 2-3 मिनट बाद हम दोबारा से चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा जो है मसाला रेडी हो गया है। अब हम इस स्टेज पर हमारे जो हमने गट्टे रेडी करके रखे थे हम उसको भी इसमें छोड़ देंगे, इसमें डाल देंगे। अब इस करी में गट्टों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि करी का पूरा फ्लेवर गट्टों में आ जाए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो गट्टे का पानी बचा हुआ था हम उसी को यूज़ करेंगे, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना आपको करी बनानी हो हम उसके अनुसार ही पानी यहाँ पर यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि गट्टे भी ऑब्जर्व करते हैं पानी को। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। एक उबाल आने पे हम चेक करेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा हिलाने के बाद हमें 1 मिनट के लिए और इसे ढककर रखना होगा। देखिए हमारे गट्टे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो हम इस स्टेज पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हम इसे धनिया से गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे इसमें। इसे भी मिक्स कर देंगे। 2 ये राजस्थान की एक पारंपरिक डिश है जो बहुत ही इजीली तैयार भी हो जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। जब घर पर कोई सब्जी ना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बनकर रेडी हो गई है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है फ्रेंड्स। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों मुझे गट्टे की सब्जी या तो पराठों के साथ अच्छी लगती है या फिर नॉर्मल फुलकों के साथ, तो आप चाहें तो पराठों के साथ भी इसे खा सकते हैं। बेसिकली ये एक डिनर और लंच रेसिपी है। ये देखिए हमारी डिश बनकर रेडी हो गई है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और डिश अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसी एक्साइटिंग वीडियो और लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।